क्या यह एलियंस है, दूसरे ग्रह के प्राणी जिनके कंकाल की नुमाइश की जा रही है? यह नुमाइश किसी ऐरी गैरी जगह नहीं बल्कि मेक्सिको की संसद के अंदर हो रही है। किसी मम्मी की तरह दिख रहे इन छोटे से कंकालों को बाकायदा ताबूत जैसे डिब्बों में रखा गया है। डिब्बों को खोला जाता है, दावा है कि तीन उंगलियां वाले ये दूसरे ग्रह के प्राणी 1000 साल पुरानी है, जिनके कंकाल 2017 में पेरू के रेगिस्तान में बनी प्राचीन नास्का लाइन में मिले थे। मेक्सिको के नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी ने इसकी कार्बन डेटिंग कराई। संसद के अंदर यूएफओ या एलियंस को लेकर जो कुछ चल रहा है उसके पीछे जो शख्स है उसका नाम है जेमी मॉसन, जो लंबे समय से इस तरह के दावे करता रहा है। जेमी मॉसन ने इस बार कहा, मुझे लगता है अब ये साफ है कि हम गैर इंसानी नमूनों से डील कर रहे हैं जो हमारी दुनिया की किसी भी प्रजाति से संबंधित नहीं है। हर तरह की संभावना खुली हुई है, साइंस से जुड़े संस्थानों को इसकी जांच करनी चाहिए। इसके अलावा मेक्सिको नेवी के द साइंटिफिक इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ के डायरेक्टर ने भी दावा किया कि इन अवशेषों के एक्सरेज लिए गए, 3D रिकंस्ट्रक्शन और DNA एनालिसिस भी की गई, जिससे साफ है कि इनका इंसानों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इन दावों के बीच मेक्सिको की संसद में जहां कुछ सांसदों ने इस प्रदर्शन के समर्थन में बात की, तो कुछ सांसद ऐसे भी थे जिन्होंने कंकालों को सामने रख एलियंस होने का दावे को बकवास बताया। मैं हमेशा से मॉडर्न साइंस और गंभीर पुख्ता सबूतों को मानने वाला रहा हूँ। मुझे लगता है कि संसद में जो हुआ वो एक मजाक है। ये बहस गंभीर और साइंस पर आधारित होनी चाहिए थी। अब फिर चलते हैं जेमी मॉसन की कहानी पर, जिन्हें यूएफओ एथुसियास्ट कहा जाता है। 6 साल पहले 2017 में भी जेमी मॉसन ने ऐसे ही दावे किए थे। फर्क ये था, तब मम्मीफाइड कंकालों को इस तरह से सबके सामने नहीं रखा गया था। तब देश के प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस में जांच में पाया था कि वह बॉडी हाल ही में मैन्युफैक्चर की गई डॉल है, जिन्हें पेपर और सिंथेटिक गोंद की मदद से कवर किया गया था ताकि ऊपरी हिस्सा स्किन की तरह दिखे। जांच रिपोर्ट में ये भी पाया गया कि उंगलियों को तो किसी इंसान ने ही बनाई है। वो दावों से मेल नहीं खाती। अब सवाल ये है कि कहीं ये कंकाल वही तो नहीं जिनकी चर्चा 2017 में हुई थी। लैटिन अमेरिकी देश मेक्सिको की संसद पहली नहीं है जहां अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या एलियन के बारे में बात हुई है। इससे पहले पिछले साल अमेरिकी संसद में नेवल इंटेलिजेंस के डेप्यूटी डायरेक्टर स्कॉट ब्रे ने एक वीडियो क्लिप दिखाई थी जो नेवी ने 2021 में रिकॉर्ड की थी। उसे देखते हुए उन्होंने कहा था कि हमें पता नहीं कि वो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट क्या था। इस तरह की चीजें कई बार दिखती है, हम जानना चाहते हैं कि वो आखिर है क्या। तो मेक्सिको की संसद में जो दिखाया गया उसे और सॉलिड एविडेंस के लिए एलियन मान लेना जल्दबाजी होगी। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि कहीं वो किसी बच्चे की मम्मी तो नहीं। हालांकि दूसरे ग्रह में प्राणियों के होने को सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे साबित करने के लिए अटकलें अफवाहों की बजाय साइंटिफिक प्रमाण की जरूरत है। शायद यही वजह है कि नासा ने यूएफओ पर स्टडी करने के लिए एक पैनल बनाया है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।